मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसी बीच किसानों को खुद से जोड़ने के लिए लगातार घोषणाएं भी की जा रही हैं। कांग्रेस ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये वही कांग्रेस है जिसको लगता था राम मंदिर नहीं बनेगा, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने की कगार पर है, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवारों के क्षेत्र में रोड शो करने जा रहे हैं। कल शाम को 6 बजे ये रोड शो इंदौर में बड़ा गणपति क्षेत्र से शुरू होगा, जो रजवाड़ा तक जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए इंदौर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जहां कुछ सिटी बसों को निरस्त किया गया है, वहीं सामान्य ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। केशव मौर्य ने कहा कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो एक दूसरे को बचाने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये गठबंधन बिखरने लगा है और चुनाव आते आते पूरा बिखर जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सपा उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो उसने ऐसी सड़कें बनवाई थी जिन पर आपात स्थिति में विमान उतर सके। उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या डबल इंजन सरकार ने यहाँ ऐसी कोई सड़क बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के सिल्क 11 में हुए हादसे में टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में जानकारी ली। सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्य के विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्रीय एजेंसियां परम्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर राजनीतिक नेताओं के प्रवेश को रोकने के लिए एक गांव के बाहर मराठा समर्थकों के द्वारा लगाए गए बैनर को फाड़ने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए मनोज जरांगे ने कहा कि अगर वे हमारे पोस्टर फाड़ेंगे तो हम उनके कपड़े फाड़ देंगे। मुंब्रा में शिंदे गुट द्वारा यूबीटी सेना की 25 साल पुरानी शाखा पर कथित तौर पर बुलडोजर चलाने के बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे सेना के बीच खींचतान के बीच सांसद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना की मुंब्रा शाखा के लिए कानूनी लड़ाई चलेगी। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे कोई ताकत नहीं है और ना ही उनके साथ शामिल हुए 40 लोग कोई ताकत है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 3 राजनीतिक दलों को विज्ञापन करने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया है। इन तीनों ही दलों को अब विज्ञापन करने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग के जरिए जिन दलों को विज्ञापन से रोका गया था उसमें बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस शामिल है। दिवाली का त्यौहार खत्म होने के बाद और छठ से पहले रेलवे स्टेशन पर बहुत भारी भीड़ दिख रही है। ऐसे में उत्तर रेलवे ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। रेलवे ने ये कदम रेलवे स्टेशन पर लगने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उठाया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रहे टॉप 5 धन कुबेरों में कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी मार ली है। इसमें 3 कांग्रेस और 2 बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हालांकि इस लिस्ट में टॉप 2 पोजीशन पर बीजेपी उम्मीदवार हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेश्वर धाम पर 20 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में होगा। आयोजन को लेकर कुबेश्वर धाम पर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मजदूरों को पाइप के जरिए खाना पानी भेजा गया है। CDO गौरव कुमार ने कहा कि मैं अभी टनल के अंदर गया था, हमारे कर्मियों से लगातार संवाद किया जा रहा है, आज सुबह 10 बजे उनसे संवाद स्थापित किया गया। यूपी में अवैध निर्माण पर योगी सरकार की सख्ती बढ़ती जा रही है। पीलीभीत में अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले एक बार फिर जिला प्रशासन के रडार पर आ गए हैं। नोटिस के बाद अनधिकृत कॉलोनी विकसित करने वालों के निर्माण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। जिला प्रशासन की टीम अवैध निर्माण पर किसी भी दिन कार्यवाही कर सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को धरना की अनुमति नहीं मिली। मंगलवार को 11:30 बजे से धरना कार्यक्रम था। सीएम नीतीश कुमार की अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ मौन धरना देने के लिए जीतन राम मांझी पटना हाई कोर्ट स्थित अंबेडकर स्मारक के पास पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। ऐसे में धरना स्थगित हो गया।
बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर चाहे लाख दावे कर लिए जाएं, लेकिन हर दिन किसी न किसी जिले में लूट और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी पटना के सटे पंडारक में एक किशोरी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार रात की। राजधानी से सटे इलाके में इस तरह की घटना के बाद सनसनी फैल गई है। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ाने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सुखबीर सिंह बादल ने प्रदेश में बढ़ती पराली जलाने की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि भगवंत मान ने पराली का समाधान करने का दावा किया था, लेकिन आज वो दावे खोखले साबित हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं और डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों को डॉग बाइट पर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजनगंज में पिछले 4 महीनों से जंगली हाथियों का आतंक बढ़ गया है। रविवार की सुबह एक हाथी ने जंगल की ओर एक गए बुजुर्ग व्यक्ति की कुचलकर हत्या कर दी, जिसके चलते दिवाली पर्व की खुशी बुजुर्ग व्यक्ति के घर मातम में बदल गई। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में प्रारंभिक जांच के बाद प्रदेश सरकार में सतर्कता मंत्री आतिशी मुख्यमंत्री केजरीवाल को 650 पन्ने की प्राथमिकी रिपोर्ट सौंप दी है। आतिशी ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनी को 850 करोड़ का नाजायज फायदा पहुंचाया है।